हेलो बच्चों, ये हमारे पास है क्लास इलेवेंथ एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है तो बड़ा इजी, देख के लगता है भयंकर है। अगर आपके कॉट का एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, जैसे कि टैन में होता है ना टैन ए प्लस बी, सिमिलरली कॉट में भी लगा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन हो जाएगा। तो शॉर्ट में करने का एक तरीका है कि आप कॉट का फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कॉट ऑफ ए प्लस बी ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन। चलो और साफ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। कॉट जैसे टैन ए प्लस बी में है, उसको हम लोग कॉट में कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला बना देता हूँ, कॉट ए प्लस बी। ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट ऑफ बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखना है बच्चों, ये हमारे पास इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं। ए की जगह मैं लिखने वाला हूँ x और b की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2x, है ना, इसी फॉर्मूले में। तो मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी तो 3x हो गया, cot ऑफ 3x, और इस पूरे को मैं ला रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये cot x प्लस cot ऑफ 2x, cot ऑफ x cot ऑफ 2x माइनस वन। ठीक है ना, ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट x प्लस कॉट 3x कॉट ऑफ 2x, ठीक है, माइनस कॉट x इंटू कॉट ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस वन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी तो यही है ना, सिर्फ आप साइन को चेंज कर दो, इसको पूरा को रिवर्स कर दो साइन को, तो आपको क्या मिलने वाला है, cot ऑफ x cot ऑफ 2x। इसको दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो पहला टर्म ये मिल गया, दूसरा टर्म ये मिल गया, तीसरा मिल गया, हो गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, यही तो लाना था हमारे को, ये आ चुका है यहाँ पर। प्लीज़ बच्चों मेक ए नोट।